नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा HSES अपने YouTube चैनल SP Talks में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो आपको ACP रूल पर दिया है जिसका एपिसोड नंबर 9 है, आपने देखा है और उसके पसंद किया है। उसमें हमने ACP रूल 2016 के रूल नंबर 1 से रूल नंबर 6 तक डिस्कस किए थे, चर्चा की थी, उन पर उनके मतलब समझे थे। आज के वीडियो में हम रूल नंबर 7 पर चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि रूल नंबर 7 और रूल नंबर 8 इसमें मेन रूल है। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, वीडियो को बिल्कुल भी बीच में स्किप मत करना, वरना बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें रह जाएंगी, क्योंकि ये सभी के हित के लिए है जो इस समय कार्यरत हैं, ग्रुप डी से लेकर के ग्रुप ए तक के कर्मचारियों के लिए, अर्थात ऐसा कहें कि ग्रुप ए से लेकर के ग्रुप डी तक के कर्मचारी जितने भी हैं, ABCD, उन सब के लिए ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो मैं आज के वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और जो SS के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक है, क्योंकि इसमें उनको ऐसी ऐसी बातें देखने को मिलेंगी, ऐसे ही पॉइंटों पर उनके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं और वो हल करेंगे। मेरी बातों को ध्यान से सुने, उनको बड़ी सहायता मिलेगी। और इनके अलावा जो लोग, अर्थात जो अधिकारी और कर्मचारी उन सीटों पर काम कर रहे हैं, उन पोस्टों पर काम कर रहे हैं जहाँ पे ACP ग्रांट किए जाते हैं, अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच के अंदर या अकाउंट्स ब्रांच के अंदर जहाँ पर ACP ग्रांट किए जाते हैं, उनको इस वीडियो से बहुत ही सहायता मिलेगी, बहुत ज्ञान मिलेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बारीक फंडे जो है ना वो क्लियर करूँगा अपनी चर्चा में। मेरी चर्चा फंडों को क्लियर करने से है। रूल तो आप भी पढ़ लोगे जो मैं पढ़ रहा हूँ, किताब आपके पास है, यदि नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये FD की साइट पर पढ़े हैं, लेकिन इसमें जो बारीकियां हैं उनको समझने की बात है। और जब ये रूल प्रकाशित हुए थे, पब्लिश किए थे सरकार ने, उसके बाद कुछ क्लैरिफिकेशन भी आई हैं जिनको मैं साथ के साथ ही इन रूलों के साथ समाहित करके आपको बताऊंगा, उनको लिंक करके बताऊंगा, ज़्यादा आपका समय नहीं लेता। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। रूल नंबर 7, ACP रूल 2016। रूल 7 का जो टाइटल है दोस्तों, देखिए अपनी स्क्रीन पर, एलिजिबिलिटी फॉर ग्रांट ऑफ ACP लेवल अंडर द जनरल ACP स्कीम। दोस्तों, पिछले जो रूल थे ACP की जो स्कीम थी उसके तहत 1998 में रूल आए थे, ACP स्टार्ट वहीं से, वो 1998 से, दैट वाज इंप्लीमेंटेड विद एक्ट फ्रॉम 1/1/1996, 1 जनवरी 1996 से वो एप्लीकेबल थे, लेकिन उसकी नोटिफिकेशन आई थी 7/1/1998 को। उसके बाद जो है दूसरी ACP आए विद अफेक्ट फ्रॉम 1/1/2006, लेकिन उसकी नोटिफिकेशन हुई 2 दिसंबर 2008 में। और अब ये जो नोटिफिकेशन आई है दोस्तों, 7th CPC के रिवीजन के आधार पर 28 अक्टूबर 2016 को नोटिफिकेशन जारी हुई है। तो इसमें वो कह रहा है कि अब लेवल की बात हो रही है, ACP लेवल। आपने पिछले स्कीमों में जो 2008 की स्कीम थी, अर्थात इम्प्लीमेंटेड 2006 से थी, और 1/1/1996 से जो 1998 वाली स्कीम थी, अर्थात ACP रूल 1998, ACP रूल 2008 में ACP स्केल थे, 98 में केवल ACP स्केल थे, और 2008 के रूलों में जो 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशों को मद्देनजर रख करके बनाए गए थे,
उसमें ग्रेड पे साथ थी, एक एक 2006 से ग्रेड पे आ गई थी, और अब 2016 में वो ग्रेड पे का स्टेटस ना रहा, ग्रेड पे की तो एक आइडेंटिफिकेशन मात्र रह गई है जो कि लेवल में दिखाई गई है कि उतने ग्रेड पे का जो अधिकारी या कर्मचारी है उसको कौन से लेवल में पे फिक्स करनी है, रिवीजन पे स्केल में और एसीपी स्केल, एसीपी स्कीम में एसीपी लेवल कौन सा देना है। तो ये वही बात कर रहा है, एलिजिबिलिटी फॉर ग्रांट ऑफ एसीपी लेवल, अब लेवल है एसीपी स्केल नहीं है 2016 में, अर्थात 1/1/2016 से जो रिवीजन हुई है उसमें जो एसीपी स्कीम आई है उसमें एसीपी लेवल बोला जाएगा, और वो शेड्यूल 1 के पार्ट 2 में दिखाए गए हैं, और उसके साथ अनेक्स की है टेबल, वो मैं आगे समझाऊंगा आपको जब उसका बारी आएगी। तो सब 7 का सब रूल 1 कहता है एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉई कवर्ड अंडर द जनरल एसीपी स्कीम सेल फॉर द पर्पस ऑफ ड्रॉल ऑफ पे बी एलिजिबल फॉर द फर्स्ट एसीपी लेवल गिवन इन कॉलम नंबर 3 ऑफ पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनल पे स्ट्रक्चर एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2016 ऑफ हिज पोस्ट If he has completed 8 years of regular satisfactory service and has not got any financial upgradation in these 8 years with reference to the functional pay structure of the post to which he was recruited as director, वही फार्मूला है, वही सूत्र है कि एसीपी कहाँ से स्टार्ट होगा, जब वो फ्रेश एंट्रेंट भर्ती हुआ था, डायरेक्ट रूट लगा हुआ था, अदर मीन से नहीं, ना बाय प्रमोशन नहीं, वो सीधा डायरेक्ट भर्ती से आया, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से आया है या बाय ट्रांसफर आया है किसी दूसरे डिपार्टमेंट से या किसी दूसरी गवर्नमेंट से, और या बाय वे ऑफ रेगुलराइजेशन आया है। ये 3 किस्म की, चौथी किस्म एक और है एक्सग्रेशिया भर्ती, पहले होती थी अब फिर होनी शुरू हो गई है, उसके रूल लो पर भी मैं जो है ना अलग से वीडियो बना रहा हूँ, कंपैशनेट फाइनेंशियल असिस्टेंट असिस्टेंस और ओआर और अपॉइंटमेंट, अब सरकार ने वो कर दिया कि फाइनेंशियल असिस्टेंस भी ले सकते हैं यदि वो चाहें, वो ना ले करके नौकरी भी ले सकते हैं, उसके बदले में फाइनेंशियल जो उसकी फैमिली पेंशन बनती है वो मिल जाएगी, तो वो वीडियो अलग आ रहा है। तो चौथी जो मैंने आपको बताई किस्म डायरेक्टर रूट की, वो एक्सग्रेशिया भी हो सकती है। तो जो डायरेक्टर, उसने कहा है रूल में कि जो डायरेक्टर रूट पर आया है, भर्ती हुआ है और उसको 8 साल के बाद उसको कोई फाइनेंशियल अपग्रेडेशन नहीं मिली, अर्थात कोई प्रमोशन नहीं मिली, कोई अन्य स्केल नहीं मिला अदर देन फंक्शनल पे स्केल ऑफ पोस्ट, ऐसे कर्मचारी को 1/1/2016 से एसीपी लेवल दिया जाएगा जो कि इसी रूलों के शेड्यूल 1 के पार्ट 2 के कॉलम नंबर 3 में दिखाया गया है। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, मैं टेबल दिखा रहा हूँ आपको, ये लिंक करें कि कॉलम नंबर 3 ऑफ पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 का पार्ट 2 आपकी स्क्रीन पर है, इसका कॉलम नंबर 3 में जो एसीपी लेवल दिखाए गए हैं उसके रिलेशन में होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनल पे स्ट्रक्चर एज ऑन इतने, समझ गए दोस्तों। सब रूल 2, एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉई कवर्ड अंडर द जनरल एसीपी स्कीम सेल फॉर द पर्पस ऑफ ड्रॉल ऑफ पे बी एलिजिबल फॉर द सेकंड एसीपी लेवल, वो पहले ऊपर था फर्स्ट कॉलम नंबर 3 का, अब कहता है सेकंड भी मिलेगा उसको, कब, फॉर द पर्पस ऑफ ड्रॉल ऑफ पे बी एलिजिबल फॉर द सेकंड एसीपी लेवल गिवन इन कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 3, 4, 5 तीनों देखो आपकी स्क्रीन पे, 3 में भी एसीपी लेवल दिखाए हैं, 4 में भी दिखाए हैं और 5 में भी दिखाए हैं, 3 वाला है पहला एसीपी लेवल, 4 में है दूसरा एसीपी लेवल जो 16 साल बाद मिलेगा, और 5 में है एसीपी 3 जो 24 साल बाद मिलेगा। तो सेकंड की बात कर रहा है कि जो कॉलम नंबर 4 में दिखाया है आपके शेड्यूल में,
वो फंक्शनल पे स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में एज ऑन द डे ऑफ 1 जनवरी 2016 ऑफ हिज पोस्ट इफ ही हैज कंप्लीटेड 16 इयर्स ऑफ रेगुलर सेटिस्फैक्ट्री सर्विस पीरियड ही वाज अवेयर्ड ओनली वन फाइनेंशियल अपग्रेडेशन विद रेफरेंस टू द फंक्शनल पे स्ट्रक्चर ऑफ द पोस्ट टू विच ही वाज रिक्रूटेड एज ए डायरेक्ट रिक्रूट। यदि उसे एक मिल गया है अर्थात या तो एक प्रमोशन मिल गई या एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन किसी भी रूप में मिल गई, ACP मिल गई या कोई और अन्य हायर मॉडिफाइड स्केल मिल गया एटसेट्रा, तो उसको 16 साल 8 में तो पहला मिल गया और 16 साल हो गया अब उसको एक ही मिला, तो उसको सेकंड ACP का हकदार है। कौन? सीधी भर्ती में होने वाला, जो सीधी डायरेक्ट भर्ती आया है, मैंने आपको बताई है 4 प्रकार की। और इसके साथ वो कहता है कि रेगुलर सेटिस्फैक्ट्री सर्विस होनी चाहिए उसकी, ये 16 साल की, पहली 8 साल की, दूसरी 16 साल की रेगुलर सेटिस्फैक्ट्री सर्विस। मैंने पिछले वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल में बताया था, आप मेरा वीडियो देखें एपिसोड नंबर 9। सबरूल 3, एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द जनरल ACP स्कीम सेल फॉर द पर्पसेस ऑफ ड्रॉल ऑफ पे बी एलिजिबल फॉर द थर्ड ACP लेवल गिवन इन कॉलम नंबर 5 ऑफ पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनल पे स्ट्रक्चर एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2016 ऑफ हिज पोस्ट इफ ही हैज कंप्लीटेड 24 इयर्स ऑफ रेगुलर सेटिस्फैक्ट्री सर्विस एंड हैज नॉट गॉट मोर देन 2 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन सो फार विद रेफरेंस टू द फंक्शनल पे स्ट्रक्चर ऑफ द पोस्ट टू विच ही वाज रिक्रूटेड एज डायरेक्ट रिक्रूट। यदि वो 24 साल की उसकी रेगुलर सेटिस्फैक्ट्री सर्विस हो गई और उसको केवल दो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिली अभी तक, तो ये रूल कहते हैं कि वो तीसरे का भी दावेदार है, अर्थात तीसरा उसको मिलेगा। कौन सा? जो आपके शेड्यूल 1 के पार्ट 2 के कॉलम नंबर 5 में ACP लेवल दिखाया गया है दोस्तों, किसके? उसके फंक्शनल पोस्ट के स्केल के सामने से वो मिलेगा उसको। नंबर 4 भी बताया है, इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु गेट्स प्रमोटेड। अब एक ये तो था कि जो प्रमोट ही नहीं हुआ और वो पहले के लिए प्रमोट नहीं हुआ, दूसरे के लिए उसको एक मिल गई प्रमोशन या फाइनेंशियल अपग्रेडेशन और तीसरे के लिए उसको 2 बार मिल गई। लेकिन आगे और कह रहा है कि जो आदमी प्रमोट हो गया है, अब एक प्रमोशन ले गया वो, उसको तो 16 साल में मिलेगी, लेकिन उसके लिए एक और प्रावधान कर दिया। क्या? इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु गेट प्रमोटेड ही शैल बी कंसीडर्ड फॉर द नेक्स्ट ACP लेवल After he complete 8 year of regular factory service in the promotional post without any financial upgradation after promotion and shall be entitled to the next ACP level with reference to the level of the promotional post he holds। देखिए क्राइटेरिया वो 8 साल का ही है और बाद है स्टैग्नेशन की, ACP लेवल स्टैग्नेट हो गया कर्मचारी, वो प्रमोट नहीं हो रहा, आगे नहीं बढ़ रहा है 8 साल में, तो उसको फाइनेंशियल अपग्रेड कर दिया जाए, फाइनेंशियल उसको मिल जाए सहायता। अब एक बार प्रमोट हो गया वो और उसके बाद फिर क्या हुआ, वो स्टैग्नेट हो गया, फिर प्रमोट नहीं हुआ 8 साल तक उस प्रमोशनल पोस्ट में, तो कहता उसको भी ये मान करके कि उसके 8 साल हो गए प्रमोशनल पोस्ट पर, उसको उस प्रमोशनल पोस्ट के सामने जो शेड्यूल में प्रमोशनल पोस्ट के उसके लेवल के सामने जो लेवल दिखाया गया है फर्स्ट, वो मिल जाएगा उसको। लेकिन ये काउंटिंग सारी 3 होगी, ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये आगे लिखा है प्रोवाइडेड दैट गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अवेल ACP अपग्रेडेशन इफ ही हैज ऑलरेडी अवेल्ड ऑफ 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ऑफ एनी काइंड इन हिज कैरियर। बड़ी गहरी बात है, समझने योग्य बात है कि पूरी सर्विस लाइफ में 3 मिलेंगी, वो प्रमोशनल पोस्ट पे उसी को मिलेगी
बशर्ते के उसकी टोटल 3 ना मिली हो उसको सर्विस कैरियर में, अर्थात उस दिन जिस दिन उसका आप आंकलन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, उस दिन देखें कि उसको पीछे कितनी अपग्रेडेशन मिल गई है, इंक्लूडिंग प्रमोशंस, एसीपी कितने मिल गए और प्रमोशन कितनी मिल गई, वो सारे मिला करके यदि 3 से ज्यादा है तो नहीं मिलेंगे, और यदि 3 से कम है तो मिलेगी, प्रमोशनल पोस्ट पर मिलेगी। समझ गए? ओके। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, किस पर ऊपर शब्द आया है, रेगुलर सेटिस्फैक्टरी सर्विस। अब ये समझने वाली बात है कि रेगुलर सेटिस्फैक्टरी सर्विस इस कार्य के लिए मीनिंग क्या है उसका, किसके लिए, एसीपी के लिए जो रेगुलर सेटिस्फैक्टरी सर्विस की बात कर रहा है, वो कौन सी है, उसमें कौन कौन सी सर्विस शामिल है, कौन कौन सी सेवाएं शामिल है, तो इसमें प्रावधान किया है। एक्सप्लेनेशन 1 देखिए, रेगुलर सेटिस्फैक्ट्री सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल शैल मीन, क्या मतलब है, द सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस मेंशन्ड बिलो, नीचे अभी पढ़ूंगा मैं, शैल बी, आप भी अपनी किताब में देख ले और स्क्रीन पे भी चल रहा है, स्क्रीन पे भी देखिए, बी डीम्ड टू बी सेटिस्फैक्ट्री इफ नो डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट एम्प्लाई ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड देर आर नो एडवर्स रिमार्क्स अबाउट इंटेग्रिटी इन द एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ऑफ दिस पीरियड। जो 8 साल का आपने पीरियड लिया है, जिसके लिए आप एसीपी की गणना करना चाहते हैं, उस दौरान कहता है इस काल के दौरान उसकी कोई भी डिपार्टमेंटल या जुडिशियल प्रोसीडिंग कार्रवाई पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, अर्थात कोई चार्जशीट पेंडिंग ना हो डिपार्टमेंटल कार्रवाई में, और जुडिशियल में कोई उसका ट्रायल पेंडिंग ना हो, कोई सूट पेंडिंग ना हो, कोई मुकदमा पेंडिंग ना हो, यदि पेंडिंग है तो वो बार है, वहां एसीपी नहीं दिया जा सकता जब तक कि वो क्लियर ना कर ले क्योंकि, और इसके अलावा ये भी कहा कि और उसकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, उसके भीतर उसके ईमानदारी के मामले में, इंटेग्रिटी के मामले में, ईमानदारी के मामले में कोई भी रिवर्स एडवर्स रिमार्क नहीं है, गलत रिमार्क नहीं है, अर्थात उसकी इंटेग्रिटी अबव बोर्ड है, क्लियर है, उस पर कोई शख्स अंदेशा का रिमार्क नहीं लिखा गया एसीआर में, ये ऐसा है, तो वो सारी सर्विस कौन सी जो नीचे लिखी है, देखिए अपनी स्क्रीन पर, नंबर 1 सर्विस फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग टू ए पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन ए डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट इधर बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और अदरवाइज, कि वो सर्विस ज्वाइनिंग की डेट से लेकर के जिस दिन उसने नौकरी में भर्ती हुआ है, कैसे, या तो वह डायरेक्ट रूट से आया है या अदरवाइज आया है, कहाँ पे, हरियाणा सरकार के विभाग में कहीं भी आया है, चाहे वो डायरेक्ट आया है चाहे वो अदरवाइज आया है, भाई प्रमोशन आया है, तो वो उसकी सर्विस रेगुलर सेटिस्फैक्ट्री सर्विस माननी जाएगी, बशर्ते के जो मैंने ऊपर बताया कि उसकी कोई डिपार्टमेंटल पेंडिंग ना हो इंक्वायरी, कोई चार्जशीट पेंडिंग ना हो, कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग पेंडिंग ना हो, और उसकी एसीआर में कोई इंटेग्रिटी का एडवर्स रिमार्क ना हो। सेकेंड पॉइंट, द पीरियड स्पेंट ऑन डेपुटेशन फॉरेन सर्विस शैल बी काउंटेड टुवर्ड रेगुलर सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ दीज रूल, इन एसीपी रूलों के मामले में उसकी फॉरेन सर्विस और डेपुटेशन की सर्विस, आगे चैप्टर हम हरियाणा सिविल सर्विसेज जनरल रूल में पढ़ेंगे, फॉरेन सर्विस क्या है और डेपुटेशन वाली सर्विस क्या है वो हम वहाँ क्लियर करेंगे। इसका मतलब ये समझो कि अपने विभाग से बाहर यदि इसने काम कर रखा है तो वो भी उसकी रेगुलर सेटिस्फैक्टरी सर्विस माननी जाएगी। आगे 3 नंबर कहा दोस्तों, ऑल काइंड ऑफ लीव, सभी प्रकार की छुट्टियां एक्सक्लूडिंग ईओएल विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट,
जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव EOL कहते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव को, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव किसी कर्मचारी ने विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए है, डोमेस्टिक अफेयर के लिए लिए है या अदरवाइज किसी और पर्पस के लिए लिए है, मेडिकल बेस पे नहीं अर्थात मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ नहीं, वो सारी छुट्टियां एक्सक्लूडिंग EOL विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट ड्यूली सैंक्शन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। शर्त ये भी है कि वो सैंक्शन होनी चाहिए, पेंडिंग नहीं या किसी डिस्प्यूट में नहीं कि जी ठीक है हो जाएंगे, अभी केस चल रहा है इसका, एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी था, सैंक्शन करा के नहीं गया था और अभी जो है ना उसके हो जाएंगी छुट्टियां, फिर हम काउंट कर लेंगे, वो सैंक्शन भी होनी चाहिए, वही छुट्टी काम शामिल करनी है। नंबर 4, ओन अपॉइंटमेंट फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर अंडर द हरियाणा गवर्नमेंट बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और अदरवाइज द पास्ट रेगुलर सेटिस्फैक्ट्री सर्विस वेयर द पे स्ट्रक्चर पे लेवल एज वेल एज लाइन ऑफ सर्विस ऑफ बोथ द पोस्ट्स आर आइडेंटिकल सेम शैल बी काउंटेड। ये बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है दोस्तों, ये पॉइंट बहुत गहरे पॉइंट है। कुछ बातें कई बार आदमी छोड़ देता है ना, बड़े ध्यान से इनको माइंड में रखे आप, कीप इन योर माइंड ये सारे के सारे फंडे जितने भी हैं। अब वो कौन सी सर्विस की बात कर रहा है कि एक विभाग से हरियाणा सरकार के दूसरे विभाग में या तो वो डायरेक्ट रूट पे गया है, कैसे सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट पे चला जाता है ना, एक नौकरी छोड़ के दूसरे पे, वो भी डायरेक्ट होगी ना, और अदरवाइज या वैसे गया ट्रांसफर बेस पे, बहुत चले जाते हैं एक डिपार्टमेंट छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट में, तो उसकी जो पिछली सर्विस है, पिछले विभाग की जो सर्विस है वो उसने वहां रेंडर की थी और उसका जो पे स्ट्रक्चर पे लेवल है और उसकी जो लाइन ऑफ सर्विस है वो दोनों की दोनों एक होनी चाहिए, अर्थात यदि वहां वो क्लर्क है तो वहां भी क्लर्क भी होना चाहिए। ये नहीं कि वहां को किसी और पे स्ट्रक्चर का है तो वहां किसी और पे स्ट्रक्चर का है, लाइन एक होनी चाहिए। टेक्निकल है तो दोनों जगह टेक्निकल होगा, क्लरिकल है तो दोनों जगह क्लरिकल होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह कंडक्टर है और दूसरी जगह क्लर्क हो, या एक जगह क्लर्क है तो दूसरी जगह कंडक्टर, या एक जगह कुछ और पोस्ट पे है, ऐसा नहीं। एक लाइन होनी चाहिए और दोनों का पे स्ट्रक्चर एक होना चाहिए, पिछली पोस्ट पे भी और आगे वाली पोस्ट पे भी, तब वो रेगुलर सेटिस्फैक्ट्री सर्विस पिछली सर्विस तब शामिल की जाएगी। However, हालांकि अंडर दीज रूल द गवर्नमेंट एम्प्लॉई शैल नॉट बी कंसिडर्ड अनलेस अंटिल ही कंप्लीट द प्रोबेशन पीरियड ऑफ द न्यू पोस्ट सेटिस्फैक्ट्रीली। हालांकि जब तक ऐसी अवस्था में जब वो विभाग से विभाग में जा रहा है तो आगे प्रोबेशन भी होती है ना, कहीं 2 साल की है, तकरीबन 2 साल की होती है प्रोबेशन। कहता है जब तक उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, जब तक के वो उसकी प्रोबेशन क्लियर ना कर ले, वो प्रोबेशन एक्सटेंड भी हो जाता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कर देती है कि ठीक है इसको मौका और दिया जाए, 2 साल में इसका कार्यशैली और इसका जो था कंडक्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं पाएगा, उसको मौका दिया जाता है, वो एक्सटेंड कर दिया जाता है कि जब तक उसका प्रोबेशन क्लियर नहीं होगा तब तक ये काउंटिंग नहीं होगी। The financial upgradation already availed shall also be kept in view. तीसरी बात बताई कि यदि उसने पहले कोई financial upgradation ले ली है, एक ली है या 2 ली है पुराने विभाग में, वो भी काउंट होंगी, कैप्ट इन व्यू रखी जाए ध्यान में गिनती करते समय कि 3 अपग्रेडेशन देनी है टोटल सर्विस कैरियर में, यदि किसी ने पहले 3 ले ली है तो आगे क्या लेगा, 0 आगे नहीं मिलेगी, पहले 2 ली है आगे 24 साल हो गए टोटल तो 3 मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। और दोस्तों देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो तुरंत करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें तुरंत बेल आइकन दबा करके, दोस्तों तभी मेरा हौसला अफजाई होगा। आगे चलते हैं।
कहता है जी फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन, इसकी उपरोक्त की जो स्पष्टीकरण है उसके बारे में स्पष्टीकरण किया क्या कि लाइन ऑफ सर्विस आया ना ऊपर, लाइन ऑफ सर्विस होनी चाहिए एक। क्या लाइन ऑफ सर्विस मींस सेम नेचर ऑफ जॉब प्रोफाइल, उसकी जो कार्य करने की का जो वर्णन है कार्य का वो क्या होना चाहिए, सेम नेचर, सिमिलर होना चाहिए, सेम प्रकार का होना चाहिए, सेम स्वभाव का होना चाहिए। अर्थात आगे उदाहरण भी आएगा, दैट इज अपॉइंटमेंट फ्रॉम इंजीनियरिंग टू इंजीनियरिंग कैडर, वहां इंजीनियरिंग कैडर में है पिछले भाग में, आगे विभाग में भी इंजीनियरिंग कैडर में होना चाहिए, तभी पार्ट सर्विस के लिए उसकी जॉब प्रोफाइल सेम माननी जाएगी। ऑफ द पोस्ट ऑफ सेम पे स्ट्रक्चर, और पे स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए। कवर अंडर दिस रूल हाउ अवर अपॉइंटमेंट से फ्रॉम कंडक्टर टू क्लर्क इज नॉट कवर्ड, आगे ना वही बात जो अभी मैंने बताया था कि वहां कंडक्टर है तो वहां क्लर्क आया तो नहीं, सेम नहीं है ना, पे स्ट्रक्चर सेम है और ना लाइन ऑफ सर्विस सेम है। ये बातें बड़ी ध्यान देने योग्य बातें हैं, बड़ी गंभीर बातें हैं। लोग अपने हित में कहते हैं जी मेरा हित हो जाए, लेकिन देखिए हम तो मजबूर हैं रूल की अनुपालना करने के लिए, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट को ये आदेश है कि जो भी रूल हैं वो लागू करवाए जाएं हूबहू, और सभी कर्मचारी या अधिकारी जो हैं रूल के दायरे में रहकर ही काम करें। मैं यही एडवाइज करता हूँ, रूल से बाहर कोई काम ना करें, कोई किसी का पर्सनल हित मत देखें। रूल यदि किसी को दे क्लेम दे रहा है तो दे दीजिए, रूल यदि बाहर लगा रहा है तो उसमें रूल का हवाला दीजिए, रेफरेंस दीजिए रूल का कि रूल में ये लिखा है, ये क्लेम वैलिड है या ये क्लेम इनवैलिड है, आपने तो तोलना है, तराजू आपके सामने है ये रूल्स की, इसके आधार पे अपनी मनमर्जी नहीं करनी। क्यों, उसमें मनमर्जी में किसी का नुकसान हो सकता है, किसी को नाजायज फायदा भी हो सकता है, ऐसा बिल्कुल फिर कल को रिकवरी होती फिरेंगे उसकी, ऐसा नहीं। आगे कहता है दोस्तों सब रूल पांच, बेनिफिट ऑफ डीम्ड डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ध्यान देना डीम्ड डेट आई है, अपॉइंटमेंट और प्रमोशन काउंटेड टुवार्ड सीनियरिटी। कई बार विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट प्रमोशन भी मान ली जाती है और अपॉइंटमेंट भी मान ली जाती है। जनरल रूल में मैं इनके खुलासे करूंगा आपको, जनरल रूल के जब आपके सामने आगे आने वाले वीडियो आ रहे हैं, ये इन सारे फंडे क्लियर होंगे कि विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में प्रमोशन कैसे हो रही और उसकी अपॉइंटमेंट कैसे हो रही। तो वही जिक्र किया है कि यदि विद रिट्रोस्पेक्ट पुराने इफेक्ट से बैक डेट से यदि उसकी प्रमोशन माननी गई, वो सीनियर जूनियर का कई बार हो जाता है, गलती लग जाती है कि जूनियर पहले प्रमोट हो गया, सीनियर उसमें छूट गया और वो फिर या किसी भी कारणवश सीनियर को छोड़ दिया गया, तो वो क्या करता है बैक डेट से उसकी प्रमोशन वो क्लियर कर जाता है अपने सारे सर्कमस्टांसेस को जिनके बेस पर उसकी प्रमोशन रुकी थी, जब वो क्लियर करता है तो उसको बैक डेट से डीम्ड, कब से, जिस दिन से जूनियर को प्रमोट किया था, क्योंकि जूनियर तो जूनियर रहेगा, जो आज जूनियर है वो कल भी जूनियर रहेगा और तनख्वाह में उससे आगे नहीं निकल सकता, लेकिन काम नहीं तो वेतन नहीं, ये सारे फार्मूले लागू होते हैं। जब तक सीट पे बैठ के काम नहीं करेगा पोस्ट का, उस पोस्ट की तनख्वाह लेने का हकदार नहीं। डीम डेट में उसकी सीनियरिटी को ला करके, वो भी तब यदि सीनियरिटी में कवर हो रहा है तो, और उसकी काउंटिंग सीनियरिटी में आता है जैसे मैंने बताया अभी, तो डीम डेट अपॉइंटमेंट पे और प्रमोशन पे भी ये शामिल होगी सर्विस। छठा पॉइंट करता था पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई Who, while working on a regular basis, is given a dog promotion within the prescribed quota and subsequently regularized on the same post, then his period of service of a dog promotion shall be treated as regular satisfactory service. कहता है वो सर्विस
उसका वो सारा समय जिस दौरान जो उसने गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने जब वो काम कर रेगुलर बेस पर काम कर रहा था, जीवन एडोक प्रमोशन रेगुलर बेस पर काम करते हुए एडोक प्रमोशन दे दी जाती है कई बार किसी कारणवश, वो जनरल रूल में पढ़ेंगे आप, बताऊंगा मैं वहां क्लियर करूंगा। विधि ने प्रेस्क्राइब कोटा है उसको प्रमोट कर दिया जाता है एडोक, क्योंकि वो कई बार फुलफिल नहीं कर पाता और कंडीशनल प्रमोशन दे देते हैं, ऐसा प्रावधान रूलों में है। ऐसे मामले में कहता है एंड सब्सिक्वेंटली रेगुलराइज्ड ऑन द सेम पोस्ट, और फिर उसी पोस्ट पर वो रेगुलराइज हो जाता है जिस पोस्ट पे प्रमोट हुआ, एडोक पे प्रमोट हुआ था, देन हिज पीरियड ऑफ सर्विस ऑफ एडोक प्रमोशन, जो पीरियड उसका एडोक प्रमोशन का था वो सारा का सारा पीरियड उसका रेगुलर सेटिस्फैक्ट्री सर्विस मान ली जाएगी इस अवस्था में कि वो रेगुलर हो गया उस पोस्ट पे, अर्थात उसकी प्रमोशन रेगुलराइज हो गई है रूलों के द्वारा। पॉइंट नंबर 7, पार्ट रेगुलर सर्विस रेंडर्ड बाय सरप्लस एम्प्लॉइज। दोस्तों सरप्लस एम्प्लॉइज कौन होते हैं? कई बार क्या होता है विभाग बंद कर दिए जाते हैं सरकार के द्वारा किसी भी कारण से एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर, तो वहाँ जो अमला है जो पोस्टें जिन पोस्टों पर काम कर रहे थे लोग वो रेगुलर हैं, कन्फर्म हैं, लियन मेंटेन कर रहे हैं, तो सरकार उनको निकालती नहीं, उनको सरप्लस पूल में ले लेते हैं, चीफ सेक्रेटरी के अंडर में सरप्लस पूल है, वहाँ से फिर जहाँ वैकेंसी है उनके पद की वहाँ उनको ऑन डिमांड भेज दिया जाता है, उन डिपार्टमेंट से डिमांड मांगी जाती है कि यहाँ पे सरप्लस पूल में इतने कर्मचारी हैं फलां डिपार्टमेंट के जो कि सरप्लस हो गए हैं, विभाग अबोलिश हो गया या जो भी कारण है, तो यदि आपको जरूरत है तो भेजें, तो जो वहाँ से डिमांड आती है तो वो वहाँ पे चले जाते हैं, तो ये वो सरप्लस एम्प्लॉइज है ऑलरेडी इन सर्विस बट सरप्लस ड्यू टू वाइंड अप ऑफ डिपार्टमेंट और एबोल्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट किसी भी कारणवश वो सरप्लस हो गए। एम्प्लॉय ऑफ एनी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, बोर्ड कॉरपोरेशन के बीच में आते हैं सरप्लस पूल में, क्योंकि गवर्नमेंट ओन्ड है सारी हरियाणा के अंदर जितने भी बोर्ड कॉरपोरेशन सारे गवर्नमेंट ओन्ड है। डिक्लेयर सरप्लस एंड वो डिक्लेयर किए जाते हैं, मैंने जैसे बताया सरप्लस एंड सब्सिक्वेंटली अपॉइंटेड ऑन ट्रांसफर बेस और एडजस्टेड इन अदर डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंटों में मैंने आपको बताया भी भेजा जाता है वहाँ लग गए विद द बेनिफिट ऑफ पे प्रोटेक्शन, शर्त यह है कि उनको पिछले पे का बेनिफिट मिला, गए पे प्रोटेक्ट होगी विद द कंसल्टेशन ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है ये, शैल आल्सो बी काउंटेड फॉर द ग्रांट ऑफ ACP लेवल, वह सर्विस भी उसकी ACP लेवल के काउंटिंग के लिए योग्य है। Provided the financial upgradation already availed shall also be taken into account, शर्त यह है कि जितनी उसने पहले financial upgradation ले ली है वो भी गिनती में आएंगी, 3 से ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि उसको ज्यादा मिल जाए ना, वो भी इक्वल अपॉर्चुनिटी का है। दोस्तों अभी ये मैंने बताया कि रेगुलर सेटिस्फैक्ट्री सर्विस में कौन कौन सी आती है, तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा, अभी ये रूल बड़ा लंबा है और आपको समझाना भी है मैंने, और अगले वीडियो में हम समझेंगे कि रेगुलर सेटिस्फैक्ट्री सर्विस हाउ एवर डज नॉट इंक्लूड, जो ये सर्विस हैं ऊपर दी गई रेगुलर सेटिस्फैक्ट्री में क्या इंक्लूड है अब है क्या नहीं है, एक तो ये अगले वीडियो में देखेंगे हम, और दूसरा है फाइनेंशियल अपग्रेडेशन क्या है, और आगे है बेनिफिट नॉट टू बी ट्रीटेड एज फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, जो वो बेनिफिट जो ऑलरेडी ले लिए हैं ग्रांट हो गए लेकिन वो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन की परिभाषा में नहीं आते वो क्या है, ये हम रूल 7 का बकाया हिस्सा, और यदि उसमें समय हुआ तो हम रूल 8 भी देखेंगे लेकिन वो भी समझने योग्य है, बहुत मेन रूल है 8 में एलिजिबिलिटी है, ओरिजिनल कंडीशन एलिजिबिलिटी की, वहाँ एलिजिबिलिटी आंकड़ा है, यहाँ तो बताया था किसको मिलेगा कैसे कैसे मिलेगा,
और वहाँ एलिजिबिलिटी की शर्तें। तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त करते हुए मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि आपने मेरे वीडियो को यदि अभी लाइक और शेयर नहीं किया दोस्तों तो तुरंत लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को बेल आइकन का बटन दबा करके सब्सक्राइब भी करें दोस्तों ताकि मेरा हौसला अफजाई होता रहे। और मैं देखिए बड़ी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए और आगे बड़ी ज्ञानवर्धक वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं आपके सामने। आप खुद मान रहे होंगे मैं कोई दाएं बाएं की बात नहीं कर रहा, रूल पर आधारित बात कर रहा हूँ। रूल को पढ़ करके आपके सामने आपकी स्क्रीन पे ला रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं उसके फंडे क्लियर कर रहा हूँ। अपनी तरफ से मैं कोई चीज ऐड नहीं करता, बस फंडे क्लियर कर रहा हूँ अपने तजर्बे के बेस पे। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार दोस्तों।